वक्फ एक्ट को बदलना मुसलमानों के धर्म में सीधा सीधा हस्तक्षेप है, इंटरफियरेंस है। मुस्लिम समाज की औरतों को बोर्ड में सम्मान सहित जगह देना, ये धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है? आप नफरत फैला रहे हैं। अगर इतनी मोहब्बत है तो क्या बिल्किस बानो को वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाएंगे आप? देखिए, अगर वो चाहते भी पहले तो किसी भी महिला को बोर्ड का अनिवार्य मेंबर नहीं बना पाते। गैर मुसलमान को मेंबर बनाएंगे तो ये गैर कानूनी स्टेप होगा। मैं गैर मुसलमान सेंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। चलो भाई। दोस्तों, कबाब में हड्डी बनना कहावत तो सुना था, लेकिन आज देखने को मिल गया वक्फ मामला है मुसलमानों का, पर दिलचस्पी ले रही है बीजेपी की मोदी सरकार और स्मृति ईरानी जैसे लोग। इस पर आप स्मृति ईरानी का ये इंटरव्यू देखिए, हार का गुस्सा साफ इसके चेहरे पर झलक रहा है। वक्फ एक्ट को बदलना मुसलमानों के धर्म में सीधा सीधा हस्तक्षेप है, इंटरफियरेंस है। आप इसे इंटरफियरेंस नहीं मानती क्योंकि रिलीजन फॉलो करने का फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज को है, सरकार इसमें क्यों दखल देना चाहती? देखिए, ये रिलीजन को प्रैक्टिस करना, रिलीजन का प्रचार करना उसके विरोध का बिल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मुस्लिम समाज की औरतों को बोर्ड में सम्मान सहित जगह देना ये धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो वक्फ की अर्निंग है, कमाई है, उसके माध्यम से जो विधवा मुस्लिम बहनें हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं मुस्लिम समाज के, उनका उत्थान हो सकता है, उनकी देखभाल हो सकती है। हाँ जी, तो वक्फ मामला है मुसलमानों का, पर टांग अड़ा रहे हैं ये लोग जिनका वक्फ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मुस्लिम औरतों को बोर्ड में सम्मान सहित जगह देना है, पर मैडम जी, जगह मांगा किसने? किसी ने भी नहीं। और ज्यादा ही विधवा बहनों का फिक्र है तो पहले अपने समाज से ही शुरू करो, सोशल वर्क तो घर से ही शुरू होता है। तो दरअसल ये कोई सोशल वर्क नहीं बल्कि मुसलमानों को टारगेट करना है, इसीलिए वक्फ बिल फलाना ढिमका और अब औरतों को जगह देने की बात, ये सब इनकी घटिया राजनीति का हिस्सा है। और यकीन मानिए, इस बार तो इनका सिर्फ सीट कम हुआ है, अगली बार लोग इन्हें धक्के मारकर सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं और आपको पिछले 10 सालों में नफरत, खास करके मुसलमान माइनॉरिटी से नफरत दिखाने का एक और मौका मिला है। अगर इतनी मोहब्बत है तो क्या बिल्किस बानो को वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाएंगे आप? देखिए, अगर वो चाहते भी पहले तो किसी भी महिला को बोर्ड का अनिवार्य मेंबर नहीं बना पाते। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर बोर्ड पर मैं स्वयं गैर मुसलमान को मेंबर बनाएंगे तो ये गैर कानूनी स्टेप होगा। आप इसे गैर कानूनी स्टेप मानती हैं? तो मैं गैर मुसलमान सेंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। बिल्कुल, ओवैसी साहब ने सही कहा कि ये नफरत ही है और इनका ऐसा नफरत पिछले कुछ सालों से लगातार देखने को मिल रहा है। और जब नाविका ने महिलाओं को वक्फ का मेंबर बनाने पर सवाल पूछ लिया तो इसकी बोलती बंद हो गई। तो असल मुद्दा ये है कि अपने लोगों को वक्फ में बैठा कर वक्फ को लूटना है, इसीलिए गैर मुस्लिमों को वक्फ में शामिल करना चाहते हैं। और अगर गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता है तो गैर मुस्लिम बोर्ड का कोई मुस्लिम मेंबर क्यों नहीं बन सकता? इस पर सवाल पूछा जाए तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और स्मृति ईरानी कह रही है कि मैं किसी दूसरे बोर्ड का मेंबर रही हूँ। अरे, आप रही हो या नहीं रही हो, आपको ही सब फॉलो थोड़े ना करेंगे। आप हैं कौन? अब तो आप सांसद और मंत्री भी नहीं है। खैर, इसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हार के सदमे में ये अभी तक है। लेकिन गैर मुसलमान तो ईसाई भी है, सिख भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, बहाई भी है, जू भी है। तो क्या ओवैसी साहब को सिखों से भी दिक्कत है, क्रिश्चियन से भी दिक्कत है, जैन से भी दिक्कत है, बौद्ध से भी दिक्कत है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।